हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फटाफट से वन शॉट बेसिक्स ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। उसकी मैं वीडियोस भी लेकर आने वाली हूँ जल्द ही। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, आज सिर्फ बेसिक्स करने वाले हैं, सब कुछ करेंगे बेसिक्स में, लेकिन जो भी है हमारे पास, ठीक है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि CGST क्या होता है और SGST क्या होता है। CGST और SGST होता है हम लोगों का GST का आधा। GST का आधा क्या होता है, मतलब GST मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें हम लोग जो भी चीज़ लेते हैं ना, हम लोगों को वो 2%, 18%, 5% वो टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है, और वही जो है ना वो दो में डिवाइड हुआ हुआ है। ये है CGST और ये है SGST, तो ये दोनों में डिवाइड हुआ हुआ है। तो कभी भी आपको फाइंड करना होगा CGST या SGST ना, तो आप क्या करोगे, आधा कर दोगे GST का, ठीक है। और कभी भी आपको GST फाइंड करना होगा और SGST दिया जाएगा या CGST दिया जाएगा, तो आपको CGST या SGST को डबल कर देने का है GST फाइंड करने के लिए। उसके बाद देखेंगे GST पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC, वेयर ITC इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो GST पेएबल क्या होता है। देखो, जब भी हम लोग कहीं से रिटेलर से हम लोग जब सामान खरीदते हैं, जैसे हम कस्टमर्स हैं, राइट, तो हम लोग जब भी रिटेलर से प्राइस कुछ खरीदते हैं, तो वो रिटेलर ने भी मैन्युफैक्चरर से कुछ खरीदा होगा, होलसेलर से कुछ खरीदा होगा। तो होलसेलर ने अगर वही चीज़ सुनो अगर होलसेलर ने एक कस्टमर को ठीक है अगर होलसेलर ने एक कस्टमर को होलसेलर ने अगर रिटेलर को एक चीज़ 100 रुपये में बेची होगी, ठीक है, और रिटेलर ने वही 100 रुपये की चीज़ कस्टमर को 200 रुपीज़ में भेजा, राइट, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक चेन बन रही है ना, उसमें जो बीच में चेन में बनता है ना, वो एक अपने को क्या मिलता है, ITC और आउटपुट टैक्स मिलता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, आउटपुट टैक्स मीन्स टैक्स कलेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पर ITC मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स वॉट, इट मीन्स के आप क्या पैसा दे रहे हो। और हमेशा ये बात याद रखना कि आउटपुट टैक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनपुट टैक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने समझ लो, मैंने अभी वॉच खरीदी 200 रुपीज़ की शॉप से, ठीक है, तो अभी वही शॉप वाले ने पता है होलसेलर से कितने का की खरीदा होगा, 100 की खरीदा होगा, लेकिन उसने उसमें ना कम से कम 5% उसने या 2% उसने क्या किया होगा, GST दिया होगा, तो उसके लिए वो क्या है, उसके लिए वो इनपुट टैक्स भी उसने दिया है रिटेलर वाले ने। और हम लोग ने रिटेलर वाले को पैसे दिया जब 200 रुपये, तो हम उसके ऊपर अगर हम लोग 10% अगर GST लगा दें, तो मेरा पैसा तो और बढ़ जाएगा, समझ लो मेरा हो जाएगा 210 रुपीज़। तो उसको अभी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला है ना रिटेलर वाले को, शॉपकीपर वाले को, तो उसने क्या किया, उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो हम लोगों को नहीं देखना है प्रॉफिट लॉस, हम लोग को ये देखने का है कि उसको ITC कितना हुआ है, ठीक है। तो उसका ITC कितना होगा, 10 रुपीज़ हो गया, और उसी ने जो पैसे दिया था मैन्युफैक्चरर को या होल सेलर को, उसने 5 रुपये दिया था। तो ये समझ में आ गया ना, आउटपुट टैक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनपुट टैक्स। और ITC को हम लोग लिखते हैं हमेशा फॉर्मूले में यही आएगा, GST पेएबल मतलब कितना पैसा एवरेज निकाल कर GST का हुआ है, वही होता है आउटपुट टैक्स माइनस ITC। उसके बाद अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी इज कॉल्ड एज कैपिटल, मतलब कुछ मुझे स्टार्ट करने को, बिजनेस स्टार्ट करने मुझे उसके लिए कुछ मनी चाहिए होगी, कलेक्टेड मनी चाहिए होगी, अदरवाइज मैं ऐसे थोड़े 200-300 रुपये से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते, राइट। तो वही हम लोगों को करना है कि अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी इज कॉल्ड एज अ कैपिटल। उसके बाद शेयर मार्केट सबको पता है, अब शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल का मतलब कंपनीज होती हैं, बिजनेस होता है, इसका स्मॉल यूनिट को बोलते हैं हम लोग शेयर। शेयर में ब्रोकरेज लगता है, जब हम लोग शेयर खरीदते हैं तब हम लोगों को ब्रोकरेज के पैसे देने होते हैं, जब हम लोग शेयर को बेचते हैं तो हम लोगों को ब्रोकरेज का माइनस करना होता है। मतलब कभी भी समझ लो, मैंने ना 100 रुपये का शेयर बेच दिया तो मुझे 100 रुपये मिलने चाहिए ना, लेकिन मुझे 100 रुपये नहीं मिलेगा, मुझे 100 रुपये से कम 99 रुपीज़ मिलेगा, क्योंकि वो 1 रुपये क्या हो जाएगा, ब्रोकर ले लेगा, मतलब एजेंट समझ सकते हो। उसके बाद द पर्सन हु ओन, ओके, तो यहाँ पर हम लोग को शेयर होल्डर के बारे में पता चल रहा है। अ पर्सन हु ओन्स अ शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर, मतलब इफ़ अ कंपनी, कोई सी भी कंपनी ले लो, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं इंडिया में, तो कोई सी भी कंपनी ले लो, अगर मैंने उसका 10% भी ले लिया या मैंने 2% भी ले लिया, तो मैं उस कंपनी की एक शेयर होल्डर हूँ, राइट। तो मैं शेयर होल्डर हूँ, मतलब मेरे पास वो शेयर हैं, थोड़े बहुत ही सही, कुछ भी ज़्यादा कम कुछ भी हो, शेयर
इज वॉट अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ कैपिटल एंड इफ वी ओन दैट शेयर वी आर कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर देन स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट और कैपिटल मार्केट ये सब क्या है इट इज़ अ प्लेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द शेयर ठीक है अब देखो हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं तो वही मतलब एक्सचेंज करना मार्केट में अपन सेल बाय करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर यही एक जगह होती है ये यही एक साइट होती है जिससे हम लोग कर सकते हैं एक्सचेंज ऑफ दी शेयर या स्टॉक स्टॉक मतलब शेयर ही होता है ठीक है उसके बाद फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू MV और FV देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स के बारे में वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बारे में सबसे पहले एक बात समझ लेना कि जो फेस वैल्यू होता है ना फेस वैल्यू जो होता है वो होता है प्रिंटेड प्राइस क्या होता है वो प्रिंटेड प्राइस इन द सेंस कि आपका वो घटेगा बढ़ेगा नहीं जैसे अगर एक शेयर है उसका प्रिंटेड प्राइस 10 रुपीज़ है तो वो 10 रुपीज़ ही रहेगा लेकिन अगर हम लोग बात करें मार्केट वैल्यू की तो मार्केट वैल्यू क्या होगा वो बढ़ता घटता रहेगा वो इन्वायरमेंट कंडीशन के हिसाब से शेयर मार्केट बढ़ेगा घटेगा मतलब जिससे हम लोग खरीदेंगे ठीक है जैसे मैंने कोई शेयर ख़रीदा उसका FV तो जैसे फेस वैल्यू तो 20 रुपीज़ है लेकिन अभी समझ लो पूरा शेयर बाज़ार हम लोगों का लॉस में चल रहा है तो मेरे को मिल जाएगा वो 10 रुपीज़ में तो वो मार्केट वैल्यू देखो घटता बढ़ता रहता है लेकिन मार्केट के हिसाब से लेकिन वो फेस वैल्यू प्रिंटेड प्राइस है वो चेंज नहीं होगा समझ में आया ठीक है और एक बात जैसे मेरे को फेस वैल्यू मेरी अगर 100 रुपीज़ है और मुझे कोई शेयर मैं मार्केट वैल्यू पे ख़रीदूँगी मार्केट वैल्यू पे मेरे को मिल गया वो 50 रुपये में मतलब ये समझ जाना कि शेयर इज़ इन डिस्काउंट पता है ना समझ लो मैंने शॉपकीपर से 500 रुपीज़ वाला सामान 300 रुपीज़ में ख़रीद लिया तो मेरे को डिस्काउंट मिला है मतलब मेरे पैसे कम हुए हैं लेकिन उसका प्राइस तो 500 था तो वही डिस्काउंट होता है और समझ लो अगर मेरा फेस वैल्यू जो है वो है 30 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू भी 30 रुपीज़ है तो मतलब वो शेयर इज़ एट पर व्हाट इज़ इट एट पर ठीक है पर मीन्स सेम उसके बाद अगर फेस वैल्यू जो है वो ज़्यादा कम है जैसे अगर वो है 2 रुपीज़ सपोज़ और मार्केट वैल्यू है 5 रुपीज़ तो मतलब क्या है मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा हो रहा है राइट तो वही क्या हो जाएगा वही मतलब क्या है शेयर इज़ एट प्रीमियम व्हाट इज़ एट प्रीमियम पे है शेयर तो यहाँ पर अभी हम लोग फाइनली ये पढ़ते हैं इट इज़ यहाँ पे पढ़ा हो चुका है देखो द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज़ कॉल्ड एज अ फेस वैल्यू जो मैंने आपको बता दिया था द प्राइस एट विच द स्टॉक शेयर्स आर सोल्ड और परचेज इन द स्टॉक इज़ कॉल्ड एज अ मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको उसके बाद डिविडेंड मतलब हम लोगों को शेयर्स पर कुछ डिविडेंड मिलता है हम लोगों को कुछ अमाउंट रेट ऑफ मनी मिलता है तो द पार्ट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमंग द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज डिविडेंड फाइन उसके बाद हम लोगों को मैंने अभी जस्ट आपको बताया अगर मार्केट वैल्यू हो जाएगा फेस वैल्यू से ज़्यादा तो वो शेयर प्रीमियम पर होता है अगर मार्केट वैल्यू इज़ इक्वल टू फेस वैल्यू रहेगा तो वो पर रहता है मतलब सेम इज़ इक्वल और मैंने अभी आपको एग्जांपल शॉपकीपर वाला और मेरा दिया था तो मैंने आपको बताया कि वो डिस्काउंट में अगर वो कम पे मिल रहा है ठीक है अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर कभी भी फाइंड करना होगा तो टोटल इन्वेस्ट समझ लो मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने गए मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा पता क्या है सुनो मेरी बात अच्छे से टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने किया है 100 रुपीज़ का और उसका एक शेयर का प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू है 10 रुपीज़ ठीक है समझ में आया यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर मेरे पास जो है वो नहीं पता है मेरे को फाइंड करने का है टोटल वैल्यू में टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने 100 रुपीज़ का किया है और मार्केट वैल्यू 10 रुपीज़ की है तो मेरा जब मैं कैलकुलेट करूँगी यहाँ पर 10 1 10 10 10 100 थे ना तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ़ शेयर मैंने जो लिया है वो मैंने 10 शेयर्स ही खरीदे हैं सिर्फ उसके बाद मार्केट वैल्यू में कभी भी हम लोग को मार्केट वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ठीक है सम इन्वेस्टेड देखो यहाँ पर देखो सम इन्वेस्टेड और यहाँ पर ये नंबर ऑफ शेयर इको सेम ही है देखो एक ही इन दोनों में से फॉर्मूला याद करो दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है एक ही याद करो नंबर ऑफ़ शेयर वाला फाइंड कर लिए तो अच्छी बात है नंबर ऑफ़ शेयर्स कर लिए अब देखो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट अगर फाइंड करने का तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का है राइट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का आपको ठीक है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ़ शेयर तो वही यही
फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पे गया वो, हाँ यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद डिविडेंड पर शेयर को हम लोग हमेशा, डिविडेंड हमेशा हम लोग फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। फेस वैल्यू हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी सॉरी, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। अब देखो रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग अगर शेयर बेचते हैं या खरीदते हैं, हम लोग को कुछ परसेंट ऑफ मनी मिलता है उसमें से, तो वही होता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, ये भी बात ध्यान रखना, रेट हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। तो डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100 होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मैंने आपको बता दिया था, वैसे फिर मैं पढ़कर सिर्फ डिफाइन कर देती हूँ। वी डायरेक्टली कांट गो टू द स्टॉक मार्केट एंड बाय और सेल द शेयर, ओनली द रजिस्टर्ड मेंबर और द ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी ऑफ द स्टॉक मार्केट कैन बाय और सेल ऑन योर बिहाफ। दीज मेंबर्स आर कॉल्ड एज शेयर ब्रोकर। अब देखो जैसे मैं, अगर मुझे कोई कपड़ा खरीदने का है, ठीक है, और मैं जा रही हूँ शॉप में, तो मैं तो ऐसी करती हूँ, राइट। तो मतलब अगर हम लोग जैसे ऑफलाइन शॉपिंग बोल सकते हो उसको आप लोग, मैं मार्केट में जाकर अगर मैं वेजिटेबल्स खरीद रही हूँ तो मैं सीधे डायरेक्टली वेंडर से खरीद रही हूँ, राइट। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि मेरे को भाई दो स्टॉक दे दो, लो पैसे लो, ऐसा सब कुछ फिजिकली कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। आपको अपना फ़ोन से आपको ऑनलाइन परचेसिंग करनी पड़ती है, उसके बीच में जो ब्रोकर रहता है वो भी अपने को पता नहीं रहता कौन है, ठीक है। वो ब्रोकर मतलब क्या, वो बहुत कम से 0.5% हो गया, 0.1% हो गया, उतने ही पैसे कट करते हैं, ठीक है। और जब भी हम लोग शेयर बाय करते हैं ना, तो वो जो ब्रोकर होता है, ब्रोकरेज हम लोगों का एड ऑन होता है, और जब भी हम लोग सेल करते तो हम लोग का ब्रोकरेज माइनस होता है, मतलब दोनों जगह पर ब्रोकरेज के पास ही थोड़ा सा पैसा जाता है, जैसे 1-2 रुपया से सिर्फ, ठीक है। लेकिन वो उसके हिसाब से कितने शेयर भी खरीद रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद समझ में आ गया यहाँ पर, फॉर कैटरिंग द सर्विस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर दे चार्ज सम अमाउंट विच इज़ कॉल्ड एज ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज पेड ऑन द मार्केट वैल्यू, ठीक है। बाइंग ऑफ वन शेयर होता है मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। अगर एक शेयर बाय कर रही हूँ तो उसको मैं कैसे करूँगी, ब्रोकरेज तो मेरे को प्लस करने का होता है, मैंने अभी बताया। और सेलिंग के टाइम अपन माइनस करते हैं, मैंने वही बताया, मतलब मैंने बताया था ना आपको कि दोनों टाइम पे ब्रोकरेज के पास ही पैसे जाते हैं थोड़े से। उसके बाद यहाँ पर है, ब्रोकरेज इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो कभी भी मार्केट वैल्यू के साथ, सिर्फ फेस वैल्यू डिविडेंड के साथ रहेगी, ये भी बात याद रखना है। उसके बाद इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेज ऑफ शेयर्स प्राइस ऑफ वन शेयर इज शोन विद ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। एक शेयर के पास अगर मैं एक शेयर खरीद रही हूँ तो उसके साथ मेरा मार्केट वैल्यू प्लस होगा, मेरा ब्रोकरेज का रेट प्लस होगा, मेरा GST का भी रेट प्लस होगा, ठीक है, सब एड ऑन करते जाना है। फिर रेट ऑफ GST इज 18% ऑन ब्रोकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर MCQ में आ गई ना तो मैं इसका शॉर्ट बनाऊंगी जरूर, आनी चाहिए वैसा एक, क्योंकि मैं आपको बताया, जो भी बच्चे देख रहे हैं, संधि का तो पता है सबको, संधि जो मैंने बताया था वही आया था एग्ज़ाम में, लकीली कोइंसिडेंटली, क्योंकि मैंने उसमें लिटरली सिर्फ 3 एग्जांपल्स दिए थे गाइस, और उसमें से एक आ गया संतोष वाला, सबको आई वो याद होगा जितने भी देखा है, देखे बहुत ही कम लोगों ने, बट कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर देखो रेट ऑफ GST कितना है, 18% है, ठीक है। तो 18% ब्रोकरेज पर लगता है, बेचारा ब्रोकरेज का रेट ही कितना होता है, 0.1% होता है, उसका हम लोग अमाउंट निकालते हैं, फिर उस पर भी 18% का चार्ज लगता है। उसके बाद यहाँ पर टोटल फंड इज इक्वल्स टू NAV ऑफ 1 यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद करना तो कर लो, बट इट्स योर चॉइस, कर लोगे तो अच्छा बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने 10 मिनट को 13 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज किया है, आप लोगों को पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप समझ में आ गई होगी। कमेंट करके बताना कि और ऐसी वीडियोस चाहिए क्या, जिसमें एरिथमेटिक, ये तो फर्स्ट वीडियो मैंने चौथे चैप्टर से बनाना स्टार्ट करी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सा चैप्टर बना लूँगी, बट कमेंट करके बताना अगर ऐसी वीडियोस चाहिए, सो व्हाई नॉट कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।